सर्वासन, एकाग्रता पूर्वक योगाभ्यास करना। एकाग्रता, निरंतरता पूर्वक योगाभ्यास करना। विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता पूर्वक किया हुआ योग आपको पूरा लाभ देता है। कुछ कहते नहीं योग से पूरा लाभ नहीं हुआ, योग से, आयुर्वेद से पूरा लाभ होगा आपको। बस उसको जैसा करना चाहिए वैसा ही करना। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, मैं जो करने के लिए कहता हूँ, जितनी देर करने के लिए कहता हूँ, जैसे करने के लिए कहता हूँ, उसको वैसे ही करना, तो आपको 100% लाभ मिलेगा। ये शलभासन एक एक पैर से सभी कर सकते हैं, दोनों पैरों से, क्योंकि सब करने में समर्थ नहीं होते। इसलिए दैनिक योगाभ्यास, संतुलित योगाभ्यास, समग्र सर्वांगीण योगाभ्यास में हम एक एक पैर से ऐसे करवा देते हैं। फिर जो है इस तरह से भी करवा देते हैं, आगे पीछे से बैलेंस बन जाता है, एक तरफ से ऐसे फिर दूसरी तरफ से वैसे करवा देते हैं। और फिर दोनों तरफ से उठा देते हैं। इतना तो अक्सर सब कर लेते हैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है जिनको हर्निया है, हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम, उनको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए उनको तो करवाते ही नहीं है। शरीर भारी, वो भी नहीं कर पाते हैं, ये धनुरासन हो नहीं पाता, इसलिए इसको नहीं करवाते।